सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो अभी तक हमने महाट्रांसको की सीरीज में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स और पावर सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। तो आज से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्टली बहुत ईजी होते हैं या फिर मॉडरेट लेवल के आप वहाँ पे कह सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है जिसमें नाम दिए गए और आपको सिर्फ सिम्बॉल है वो पहचानने हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी कि SCR। तो SCR तो पावर इलेक्ट्रॉनिक का सबसे स्टार्टिंग में ही आता है, उसी से बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो SCR का जो सिंबल है वो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये होता है SCR का सिंबल जिसमें एनोड कैथोड होता है और एक गेट टर्मिनल होता है और गेट से हम लोग फायरिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। तो SCR का जो सिंबल रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा यानी A का ऑप्शन है वो 4 रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, A का जो 4 है वो ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन A और ऑप्शन C तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद सिलिकॉन कंट्रोल जो स्विच है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच यानी कि SCS और सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, अगर आपको इसका पता नहीं होगा सिंबल कोई बात नहीं, जो कोई भी पता है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो लिस्ट में 4th नंबर पे है लाइट एक्टिवेटेड SCR यानी कि LASCR। तो जहाँ कहीं पे भी लाइट रहेगा तो वहाँ पे एरोज है वो प्रेजेंट रहेंगे यानी कि या तो अंदर की तरफ आएंगे या फिर बाहर की तरफ जाएंगे। तो ऑब्वियसली जहाँ पे लाइट प्रेजेंट है वहाँ पे हम लोग एरो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये चारों में से सिर्फ ऑप्शन 1 है वहाँ पे एरोज प्रेजेंट है। तो हम लोग ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट एक्टिवेटेड SCR का अगर आपको पता नहीं होगा तो ये सिंबल हो सकता है। ओके, तो हमें 2 का तो सिंबल मिल गया, तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि डी का आंसर आएगा 1, 4 यानी कि इन दोनों में से डी का ऑप्शन 1 यहाँ पे ही है। ओके, तो ऑप्शन बी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो ऐसे अगर आपको पता भी नहीं होगा तो डरने की कोई बात नहीं है, आप जितने पता है वो टिक कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे प्रेडिक्ट करना रहेगा अगर आपको पता नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बी का आंसर है 3 यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल स्विच SCS का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है, तो सिलिकॉन कंट्रोल स्विच में ऑलमोस्ट वो SCR की तरह ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 गेट्स होते हैं, एक होता है एनोड की तरफ और दूसरा होता है कैथोड की तरफ। ओके, और सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच यानी कि SUS है, ये आप यहाँ पे डायग्राम में है वो देख सकते हो। ओके, तो इससे ज़्यादातर इन डिटेल में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ सिंबल यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द डैमेज ऑफ एन SCR। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि SCR में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए वो क्या है। SCR में हमारे पास गेट टर्मिनल अवेलेबल होता है, करेक्ट। मैं यहाँ पे चाहिए तो ड्रॉ करता हूँ, ये होता है एनोड से कैथोड, ये अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा डायोड, और अगर हम लोग यहाँ पे गेट टर्मिनल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा SCR। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहेगा लेकिन फिर भी हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे, अगर आपको चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो आप। सो अगर हम लोग गेट पे पल्स देंगे तभी ये जो डायोड है वो डायोड SCR है वो कंडक्ट करेगा और जो करंट है वो हमेशा सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द डैमेज ऑफ एन SCR। तो ये किसके बारे में बात हो रही है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाई करंट है, अगर हाई करंट में अगर हम लोग अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली कोई भी जो इक्विपमेंट है वो इजीली डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे हाई करंट ऑप्शन है, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है हाई रेट ऑफ राइज ऑफ द करंट यानी कि हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट यानी कि क्या होता है DI/DT यानी कि अगर बहुत कम टाइम में अगर बहुत हैवी करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे भी SCR डैमेज होने के चांसेस है। ओके, तो ये भी ऑप्शन गलत है यानी कि इससे डैमेज हो सकता है। उसके बाद है ऑप्शन सी है हाई टेम्परेचर राइज। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ऑब्वियसली ये किसी भी इक्विपमेंट के लिए बहुत बुरी चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ने से वो इजीली ब्रेकडाउन हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत आंसर है। उसके बाद है ऑप्शन डी अभी बचा, यहाँ पे हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत कम ड्यूरेशन में अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है वो बढ़ गया तो वहाँ पे जो SCR है वो डैमेज नहीं होगा। इसका रीज़न है क्योंकि अगर हम लोग DV/DT जैसे अगर मैंने यहाँ पे बताया था कि जो गेट को हम लोग ट्रिगरिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड है उसमें ट्रिगरिंग के, तो उसमें एक ट्रिगरिंग मेथड है DV/DT ट्रिगरिंग यानी कि अगर बहुत कम ड्यूरेशन में अगर हम लोग ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे SCR है वो डैमेज नहीं होगा, इनफैक्ट वो SCR है वो कंडक्ट करने लगेगा, करेक्ट। तो SCR में कितने मोड होते हैं, SCR में टोटल 3 मोड होते हैं, एक होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और थर्ड होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ओके, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया फिर भी हम लोग ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि जो SCR है वो कंडक्ट ही करेगा। जैसे डायोड कैसे होता है, अगर हम लोगों ने डायोड के केस में अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया यानी कि अगर उसे हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस दिया तो वहाँ पे हम लोग श्योर शॉट कह सकते हैं कि ये जो डायोड है ये कंडक्ट करने लगेगा। लेकिन SCR में हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हमारे पास ये जो गेट टर्मिनल होता है इस पर अगर हम लोगों ने पल्स दिया
तभी जाके ये जो SCR है वो कंडक्ट करेगा, यानी कि हमारे हाथ में ये कंट्रोलिंग होता है, इसलिए इसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि जो कंट्रोलिंग होता है वो हमारे हाथ में होता है। अगर फॉरवर्ड बायस भी हुआ फिर भी गेट टर्मिनल है वो हमें फायरिंग है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है गेट टर्मिनल के लिए। तो ये जो हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज है इससे क्या होता है, इससे उसे हम लोग कह सकते हैं कि फॉल्स ट्रिगरिंग है वो जनरेट होती है, यानी कि अगर हमें SCR को कंडक्ट नहीं भी करवाना है, यानी कि सिर्फ ब्लॉकिंग स्टेट में ही हमें उसको रखना है, उसको गेट पल्स अगर हम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई भी नहीं किया फिर भी वहाँ पे वो फॉल्स ट्रिगरिंग होके जो SCR है वो कंडक्ट करने लगेगा। तो जो हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज है इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं DV/DT ट्रिगरिंग। ओके, अब चाहिए तो अपने नोट्स में लिख लेना, DV/DT ट्रिगरिंग का मेथड होता है, तो इससे है वो डैमेज नहीं होगा लेकिन जो SCR है वो कंडक्ट करने लगेगा। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी है, तो डज नॉट कॉज डैमेज पूछा है, तो इससे SCR है वो डैमेज नहीं होगा, लेकिन ऊपर के जो तीन ऑप्शन है उससे डैमेज हो सकता है। देखो, करंट अगर फ्लो हुआ तो करंट के वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वापस से करंट है वो बढ़ने लगेगा। ओके, तो ये कंप्लीट ऐसे साइकिल में होता है, तो हाई करंट भी डेंजरस है और हाई टेम्परेचर भी डेंजरस है कोई भी इक्विपमेंट के लिए। ओके, तो ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन SCR, द DV/DT प्रोटेक्शन इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हमें DV/DT प्रोटेक्शन की, वही अगर हमें फॉल्स ट्रिगरिंग को अगर अवॉइड करना है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन सा जो इक्विपमेंट्स है वो हम लोग कनेक्ट करते हैं, RL इन सीरीज विद SCR, RC अक्रॉस SCR, L इन सीरीज विद SCR एंड RC इन सीरीज विद SCR। तो अगर आपको पता होगा नहीं होगा हम लोग डिस्कस करते हैं, तो SCR के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो स्नबर सर्किट जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं स्नबर सर्किट, ये है स्नबर सर्किट। अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो ये है वोल्टेज स्नबर सर्किट, क्योंकि DV/DT से हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते होगा वोल्टेज स्नबर सर्किट। तो ये जो स्नबर सर्किट है वो काम कैसे करता है, तो अगर हमें DV/डिटेक्शन प्रोवाइड करना है तो कैपेसिटर, तो हमें पता है कि कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं SCR के अक्रॉस ही रेजिस्टर और कैपेसिटर हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो इसके वजह से SCR के अक्रॉस अगर सडन चेंज इन वोल्टेज आ सकने के चांसेस है, यानी कि होने के अगर चांसेस है, तो ये जो कैपेसिटर है ये पैरेलल में होने की वजह से ये जो SCR के अक्रॉस सडन चेंज इन वोल्टेज को वो अवॉइड कर देता है। ओके, यानी कि DV/DT प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है फॉल्स ट्रिगरिंग होने से, वो यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये वोल्टेज नंबर सर्किट का वर्किंग कैसे होता है, जैसे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है ये पाथ से ये चार्ज होने लगेगा, और जैसे ही हम लोग गेट को ट्रिगर कर देंगे, गेट पल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे SCR से, तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे मैं पोलैरिटी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि चार्जिंग ऐसे होगी, करेक्ट, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस से कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये पोलैरिटी से कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। जैसे हम लोग ये जो SCR है इसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे फिर फायर करेंगे, तो ये जो इजी पाथ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो कैपेसिटर है अभी ये इसके थ्रू है वो डिस्चार्ज करने लगेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिस्चार्जिंग करंट का यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, तो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कैपेसिटर के फ्लो करने लगेगा। ओके, और ये जो SCR है ये DV/DT प्रोटेक्शन से यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट मिल जाएगा, यानी कि सडन चेंज इन वोल्टेज से इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये जो स्नबर सर्किट के बारे में इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन पूछा है, तो SCR में DV/DT प्रोटेक्शन में हम लोग R और C है वो अक्रॉस द SCR कनेक्ट कर दिया, या फिर पैरेलल में। ओके, सीरीज में है वो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, तो सीरीज है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो तीनों के तीनों ऑप्शन में सीरीज है, तो ये गलत ऑप्शन है, RC हम लोग पैरेलल में या फिर RC अक्रॉस द SCR। ओके, तो इसलिए ऑप्शन बी है या करेक्ट आंसर है, ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत सारे स्नबर सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, हम लोगों ने अभी कवर किए हैं। तो स्नबर सर्किट इज अ कनेक्टेड टू द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस टू रिड्यूस द। ओके, तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि ये जो सडन चेंज इन द वोल्टेज है इसको ये अवॉइड करना है, तो इसलिए टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम इसके लिए तो हम लोग यूज नहीं करते। तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जो, यानी कि जो सडन वोल्टेज स्ट्रेस जो आ सकता है बहुत कम ड्यूरेशन में, बहुत ज्यादा वोल्टेज आने के जो चांसेस है उसके अक्रॉस SCR के अक्रॉस, वो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं है वो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर है, टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम या फिर थर्मल रेजिस्टेंस है वो गलत आंसर है। ओके, ये भी ट्रांसको का क्वेश्चन था, ट्रांसमिशन एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द RC स्नबर इज यूज इन द पैरेलल विद द थायरिस्टर टू। ओके, तो SCR यानी कि थायरिस्टर ही है, थायरिस्टर एक बड़ी फैमिली है, तो उसके अंदर एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR आता है। ओके, तो SCR बहुत जगह पे आपको थायरिस्टर डायरेक्टली नेम प्रोवाइड करेगा, तो SCR या फिर थायरिस्टर दोनों सेम ही है। ओके, तो ये क्या करता है, जो RC स्नबर सर्किट है ये हम लोगों ने अभी देखा था, इट रिड्यूसेस द DV/DT अक्रॉस इट। ओके, तो ऑप्शन ए में ही हमें ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर मिल गया है, और हमें आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर प्रेजेंट होने के वजह से कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज को वो अपोज करता है। ओके, तो DV/DT से ही वो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेगा, बाकी के भी ऑप्शन देख सकते हैं, रिड्यूस DI/DT, तो इससे तो नहीं होगा।
क्योंकि इंडक्टर है जो वो करंट को अपोज करना है, यानी कि सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है इंडक्टर। तो अगर इंडक्टर रहेगा तो वो डी बाई डी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लिमिट करंट थ्रू द रेजिस्टर। तो नहीं, हम लोग एक्चुअली में करंट लिमिट करने के लिए आर सी नंबर सर्किट नहीं प्रोवाइड करते, हम लोग डी वी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं, और इंश्योर इट्स कंडक्टिंग आफ्टर द गेट सिग्नल इज रिमूव। नहीं, इसके लिए तो नहीं, हम लोग सिर्फ डी वी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ थायरिस्टर द डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन इज अचीव बाय द यूज ऑफ, जैसे अभी मैंने कहा था कि डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो इंडक्टर है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये आर सी सर्किट हम जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, वहाँ पे ये इंडक्टर है वो प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पे कहा भी था कि जो वोल्टेज स्नबर सर्किट है वो आर सी अगर हम लोग पैरल में कनेक्ट करेंगे एस सी आर के, तो उसे हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज स्नबर सर्किट। मैं यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ, वोल्टेज स्नबर सर्किट। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज में अगर इंडक्टर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये होगा करंट स्नबर सर्किट। ओके, करंट स्नबर सर्किट। लेकिन अगर मैक्सिमम केसेस में आपको डायरेक्टली सिर्फ स्नबर सर्किट के बारे में बोल रहे हैं तो वो वोल्टेज स्नबर सर्किट के बारे में ही पूछ रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। इसी को कभी कभी हम लोग करंट स्नबर सर्किट या कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली इन्होंने पूछा है कि डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन, तो इसलिए हम लोग जो एस सी आर के सीरीज में है वो इंडक्टर है वो कनेक्ट कर रहे हैं, पैरल में नहीं होगा, क्योंकि करंट है वो हमेशा सीरीज में ही सेम होता है। तो अगर उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर करंट सेम फ्लो करवाना है, तो अगर एस सी आर के थ्रू अगर हमें करंट कंट्रोल करना है तो उसकी सीरीज में ही हमें इंडक्टर है वो कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरल में कनेक्ट करके उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन है वो एन इंडक्टेंस एल इन सीरीज विद द थायरिस्टर। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्नबर सर्किट इज यूज इन अ थायरिस्टर सर्किट्स फॉर, ओके, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे तीन ऑप्शन, तीन चार ऑप्शन है, ट्रिगरिंग, डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन, डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन एंड फेज शिफ्टिंग। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि स्नबर सर्किट, अगर आपको सिर्फ वर्ड दिया स्नबर सर्किट, तो इसका मतलब है वहाँ पे आर सी पैरल सर्किट के बारे में ही बात हो रही है, और अगर आर सी सर्किट है वो तो वो डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अगर डी आई बाई डी टी भी प्रोटेक्शन है तो इसलिए हम लोग वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोर सुटेबल ऑप्शन है। अगर ये दोनों ऑप्शन में से अगर आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा तो हमेशा आप डी वी बाई डी टी प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करोगे, डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा ऑप्शन आएगा कि बोथ डी वी बाई डी टी एंड डी आई बाई डी टी, तो आप वो ऑप्शन भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हो बहुत सारे स्नबर सर्किट से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे भी और एक आया स्नबर सर्किट, अभी आपको लग रहा है बहुत ईजिली समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम के वक्त बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि टॉपिक एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्नबर सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेमिंग भी अलग है और उसके थोड़े कंसेप्ट भी इन्होंने ट्विस्ट करके पूछे हैं यहाँ पे। तो स्नबर सर्किट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हाई डी आई बाई डी टी और डी वी बाई डी टी भी है, तो मतलब यहाँ पे दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज का भी कंसिडर करेंगे और करंट का भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो इसलिए ये हाई डी वी बाई डी टी एंड हाई डी आई बाई डी टी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्योंकि लो से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब है ना, अगर सडन चेंज इन वोल्टेज, सडन चेंज इन करंट है, उसी से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई डी वी बाई डी टी एंड हाई डी आई बाई डी टी। ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन अ थायरिस्टर द होल्डिंग करंट आई एच इज, तो यहाँ पे हमें लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट में क्या कैसा रिलेशन होगा, ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट में। लैचिंग करंट क्या होता है, इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट अबव विच द एस सी आर विल बी गारंटीड टर्न ऑन इवन इफ द गेट सिग्नल इज रिमूव। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैचिंग करंट क्या होता है कि अगर हमने एस सी आर को फॉरवर्ड बायस किया, ऑब्वियसली एस सी आर को फॉरवर्ड बायस करने के बाद अगर हमने उसे गेट सिग्नल है वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक, गेट सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद अगर हम लोगों को उसे कंटिन्यूस कंडक्शन में रखना है, यानी कि गारंटीड उसको टर्न ऑन कंडीशन में रखना है गेट सिग्नल रिमूव करने के बाद भी, तो उसमें मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, फिर मिनिमम अमाउंट का जो करंट है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है लैचिंग करंट। यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने एस सी आर कंडक्ट किया, फायर भी फॉरवर्ड बायस दे दिया उसको, उसको फायर भी कर दिया गेट के हेल्प से, तो अभी मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें क्या रीच होना चाहिए, एनोड करंट जो है वो कितना अमाउंट ऑफ करंट वहाँ पर पहुंच जाना चाहिए कि हम लोग कह सकते हैं कि अभी ये जो एस सी आर है ये कंटिन्यूस कंडक्शन में रहेगा, तो उसका जो वैल्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं लैचिंग करंट। और होल्डिंग करंट क्या होता है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ करंट बिलो विच द एस सी आर विल बी गारंटी टर्न ऑफ। ओके,
जो लैचिंग करंट है इसके हम लोग टर्न ऑन होने की गारंटी दे सकते कि इसके अगर करंट ऊपर हुआ तो हम लोग गारंटीड कह सकते कि ये SCR है वो अभी कंडक्ट कर रहा है, और होल्डिंग करंट के अगर नीचे करंट चला गया, ये पर्टिकुलर रेंज के अगर नीचे चला गया तो हम लोग ऐसे कह सकते कि SCR है वो अभी कम्प्लीटली टर्न ऑफ है, हम लोग गारंटी से यहाँ पे कह सकते हैं। तो अगर आपको विजुअली देखना है तो ऐसे में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये अगर करंट का लाइन है, ओके, अगर ये करंट का लाइन है तो ये होगा लैचिंग करंट का लाइन, यानी कि लैचिंग करंट सबसे ऊपर रहेगा और उसके नीचे रहेगा होल्डिंग करंट। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लैचिंग करंट का जो वैल्यू है ये हमेशा होल्डिंग करंट से ज़्यादा रहेगा। ओके, लैचिंग करंट हमेशा होल्डिंग करंट से ज़्यादा रहेगा। अगर करंट इसके ऊपर है तो हम लोग गारंटीड ऑन है वो कह सकते हैं, और अगर इसके नीचे है करंट का वैल्यू, एनोड करंट का वैल्यू, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये गारंटीड ऑफ है। ओके, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर करंट है तो हम लोग वहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो इसके बीच में ये अनडिफाइंड जोन है, यानी कि हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वो टर्न ऑन है कि टर्न ऑफ है, इसके बीच में हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते, गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन अगर IL के ऊपर है तो कम्प्लीटली ऑन रहेगा, IH के नीचे रहेगा तो वो कम्प्लीटली ऑफ रहेगा, श्योर श्योर हम लोग वहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। ओके, तो IL और IH का जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे डायरेक्टली गेट में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर SCR का रेटिंग है वो अगर ग्रेटर देन 60 एम्पियर है तो वहाँ पे IL डिवाइडेड बाय IH, यानी कि जो IL करंट रहेगा वो ऑलमोस्ट 2 to 3 times ऑफ द होल्डिंग करंट रहेगा, और अगर SCR का वैल्यू, SCR का जो रेटिंग है वो लेस देन द 60 एम्पियर है तो वहाँ पे लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट का जो रेशियो रहेगा वो ऑलमोस्ट 1.2 to 1.8 रहेगा। ओके, यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर लैचिंग करंट डिवाइड बाय होल्डिंग करंट का रेशियो कितना रहेगा। ओके, तो आपको ये है वो जो डेटा है वो आपके काम में आ जाएगा, अगर आपको पता नहीं है तो लिख लेना। तो श्योर शोर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि होल्डिंग करंट वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द लैचिंग करंट वैल्यू। ओके, तो इसलिए ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लैचिंग करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज 4 mA। लैचिंग करंट क्या है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द मिनिमम विड्थ ऑफ द गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द थायरिस्टर इज। ओके, तो हम लोग देखते कि लैचिंग करंट है वो यहाँ पे फ्लो, तो लैचिंग करंट किससे फ्लो होता है, हम लोगों ने कहा था कि एनोड करंट फ्लो होता है, यानी कि जो SCR से ये करंट फ्लो, SCR से ये करंट है वो फ्लो हुआ होगा, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे 4 mA है वो करंट है वो फ्लो हो रहा है, हम लोग SCR के अक्रॉस से वो ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तीनों एलिमेंट है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यही जो करंट है वो इंडक्टर से भी फ्लो हो रहा है। ओके, इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो गेट पल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना है। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे SCR है वो कंडक्ट कर रहा है, ओके, तो मैं ये सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर वो कंडक्ट कर रहा है तो मैं इसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ, करेक्ट, यानी कि अगर मैंने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया तो अभी हमारे पास सर्किट में प्रेजेंट है सिर्फ 100 वोल्ट और ये जो इंडक्टर का वैल्यू है वो, करेक्ट, तो इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ये है VL का वैल्यू, करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि ये जो 100 वोल्टेज है ये कंप्लीट के कंप्लीट यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा, अगर हमने ऐसे अज्यूम किया कि SCR के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, अगर हम लोग ने आइडियल इसको अज्यूम किया तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 100 वोल्ट है वो डायरेक्टली इंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा, करेक्ट। और इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, VL इज इक्वल टू LdIdt, करेक्ट, यही होता है फॉर्मूला, VL इज इक्वल टू LdIdt। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय I डिवाइडेड बाय T, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। हम लोग सिर्फ DIdt की जगह पे I डिवाइडेड बाय T है वो हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है 100, ओके, L का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है 0.1, मल्टीप्लाई बाय I का वैल्यू है वो हमें पता है, आई का वैल्यू ने दिया है 4 mA, करेक्ट, 4 × 10⁻³, और हमें दिया है टी का वैल्यू है हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं टी यहाँ पे ले लेता हूँ, टी यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा 0.1 × 4 × 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये 100 अगर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 10⁻⁶, यानी कि 4 μs। ओके, ये होगा करेक्ट आंसर, 4 μs, तो इसलिए ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सर्किट में मैंने क्या किया, ये कंडक्ट कर रहा है तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो गया। तो जितना आपको हो सके सर्किट को सिंप्लीफाई करना ताकि आप फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये वोल्टेज है वो डायरेक्टली इंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा, और हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, LdIdt। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि L मल्टीप्लाई बाय I डिवाइडेड बाय T, यानी कि कितने ड्यूरेशन में कितने टाइम है वो यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमें जो टी का वैल्यू है वो यहाँ पे मिल गया। ओके, तो टी है ये इतने ड्यूरेशन के लिए हमें जो गेट पल्स है, मिनिमम विड्थ ऑफ द गेट पल्स है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा टू टर्न ऑन द SCR। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ मेनी जंक्शंस एंड टर्मिनल डज द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हैज? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन शायद कंफ्यूज हो सकते हैं जिनको पता नहीं होगा वो। तो ये केपीटीसीएल में पूछा गया था ईयर 2017 में। तो ये होता है एससीआर का कंप्लीट स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास तीन टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट, हमने अभी डिस्कस किया अच्छे से। इसके बीच में सैंडविच पैटर्न में पी एन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टोटल चार लेयर्स होते हैं और तीन जंक्शन होते हैं। ओके, दो लेयर के बीच में एक जंक्शन होता है। तो यहाँ पे टोटल तीन जंक्शन है और तीन टर्मिनल्स है। और अगर पूछा लेयर के बारे में पूछा तो यहाँ पे चार लेयर्स है। ओके, पी एन, तो यहाँ पे जंक्शन और टर्मिनल पूछा, सो इट इज अ थ्री जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल डिवाइस। ओके, थ्री जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल डिवाइस, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रायक इन अ सिंगल फेज सर्किट टेकिंग द वी वोल्ट्स एंड ऑपरेटिंग एट अ फायरिंग डिले एंगल अल्फा। ओके, इज सप्लाइंग रेजिस्टिव लोड आर, द पावर लॉस इन द लोड इज। तो हमारे पास एक आर रेजिस्टिव लोड है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये वोल्टेज हम लोग ने अप्लाइड किया, ट्रायक यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रायक से हम लोग जो सप्लाई है वो कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे और लोड की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे। फायरिंग एंगल डिले का वैल्यू अल्फा इन्होंने दिया है, तो हमें अल्फा के टर्म्स में ये जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पूछा है द पावर लॉस इन द वोल्टेज, पावर लॉस इन द लोड इज, तो आर के अक्रॉस कितना पावर लॉस होगा ये हम लोग को पूछा है। तो यहाँ पे एपी ट्रांसको का क्वेश्चन था ईयर 2017 में। ऑप्शन देख के डरना मत, आपको सिर्फ ये जो फंक्शन है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम पता भी नहीं है फिर भी आप, अगर आपको फंक्शनिंग कैसा होता है आपको पता होगा तो आप ऑन द स्पॉट वेवफॉर्म ड्रॉ करके वहाँ पे फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हो। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसका वेवफॉर्म है वो कैसे ड्रॉ होगा ये हम लोग देखते हैं। उसके पहले मैं आपको ट्रायक का वर्किंग बता देता हूँ। ट्रायक में क्या होता है, अगर आपको पता रहेगा एस सी आर कैसा होता है, एस सी आर सिर्फ यूनिट डायरेक्शनल कंडक्ट करता है, यानी कि सिर्फ वो एनोड से कैथोड की तरफ ही वो कंडक्ट करता है। लेकिन ट्रायक में क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि एरो हेड से हम लोग समझ सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे रहेगा। ओके, अगर आप ये ऐसे समझ सकते कि एरो हेड इसकी तरफ है तो करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इसलिए ट्रायक में आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल प्रेजेंट है, यानी कि दोनों तरफ ये बाई डायरेक्शनल है वो अलाउ कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ये करंट को अलाउ करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये करंट को अलाउ करेगा, अगर इसको हम लोगों ने करेक्ट फायरिंग है वो प्रोवाइड कर दी। ओके, अगर हम लोग को करेक्ट फायरिंग प्रोवाइड की तो दोनों डायरेक्शन में ये अलाउ करेगा करंट फ्लो। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखते हैं इसका वेवफॉर्म कैसे आएगा। तो ये आप देख सकते हो ये है सप्लाई वोल्टेज वेवफॉर्म। ओके, सप्लाई वोल्टेज साइनसोइडल है, हम लोगों ने साइनसोइडल अज्यूम किया है, यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है लेकिन हम लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि साइनसोइडल कॉस भी है लेकिन हम लोग साइनसोइडल अज्यूम करेंगे। तो हम लोग की जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हम लोग यहाँ पे फायरिंग है वो प्रोवाइड करेंगे। फायरिंग एंगल डिले अल्फा इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो अल्फा एंगल के बाद अगर हम लोगों ने यहाँ पे फायर कर दिया तो यहाँ पे अल्फा एंगल के बाद फायर करने के बाद, यानी कि उसके पहले जो वोल्टेज रहेगा लोड के पास वो जीरो रहेगा। जैसे हम लोग ये स्विच को एक्टिवेट करेंगे, फायरिंग करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि जो कोई भी सप्लाई है वो डायरेक्टली सप्लाई से लोड की तरफ आ जाएगा। ओके, तो सप्लाई और लोड का वेवफॉर्म आपको सेम दिखाई देगा अप टू पाई तक, अल्फा से लेके पाई तक, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है वो खत्म होती है। जैसे हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे तो तुरंत के तुरंत हमें जो लोड की तरफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्फा पाई के बाद भी हम लोग अल्फा ड्यूरेशन के बाद उसको फायरिंग करेंगे। ओके, यानी कि हर हाफ साइकिल में हम लोग अल्फा ड्यूरेशन के बाद है वो उसको फायर करेंगे, यानी कि पाई प्लस अल्फा के बाद हम लोग इसको फायर करेंगे, जिसलिए हमें जो वेवफॉर्म मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो जीरो से अल्फा के बीच में और पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में हमें कोई भी जो वोल्टेज है वो नहीं दिखाई देगा। तो हमें पूछा है कि इसके अक्रॉस पावर लॉस कैसा होता है, तो पावर लॉस हम लोग रेजिस्टर में फाइंड आउट करने के लिए, हमें पावर लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगेगा, वी आर एम एस का वैल्यू लगेगा। करेक्ट, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होता है, वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आई आर एम एस का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें V का वैल्यू मिल गया तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सब्सट्रीट करेंगे, लेकिन RMS का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस अगर पावर फाइंड आउट करना है तो हम लोग RMS वैल्यू ही लेंगे हमेशा। ओके, ये बात ध्यान में रखना, अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो आप एवरेज वोल्टेज नहीं लेंगे, आपको V RMS ही कंसिडर करना होगा। RMS वोल्टेज हम लोग कंसिडर करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक मेन इक्वेशन लिख लेता हूँ। RMS में हम लोग को क्या करना पड़ता है, RMS में रूट करना पड़ता है, मीन लेना पड़ता है, उसका स्क्वायर करना पड़ता है। ओके, तो VRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो VRMS का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। VRMS में सबसे पहले रूट हम लोग कंसिडर करेंगे, अंडर रूट का जो वैल्यू है वो। ओके, अंडर रूट, उसके बाद हमें मीन लेना है, मीन यानी कि कितने ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे VRMS के लिए हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन कंसिडर करेंगे वो अल्फा से पाई, क्योंकि ऑब्वियसली सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ अल्फा से पाई के लिए कंसिडर करेंगे। तो टाइम ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पे 1/π। हम लोग देख सकते हैं कि जो वेवफॉर्म है यह अल्फा से पाई के बीच में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे अल्फा से पाई के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, जो इंटीग्रेशन का वैल्यू लेंगे वो।
अल्फा से लेके पाई, और ये वी एम साइन ओमेगा टी है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी, और इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा क्योंकि रूट मीन स्क्वायर है, तो हम लोग ये रूट लिया, मीन भी लिया यहाँ पे, और अभी हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं, और ये रिस्पेक्ट टू द डी ओमेगा टी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट अभी पेज पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वापस एक बार, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से लेके हम लोग पाई वी एम साइन ओमेगा टी था, करेक्ट। तो ये होगा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अगर आपको पता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके जा सकते हो। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पाई, वी एम स्क्वायर का वैल्यू हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग सबसे पहले डिफरेंस इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। ये हम लोग सबसे पहले स्क्वायर जो टर्म है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी हो जाएगी इंटीग्रेशन के लिए। तो उसके बाद ये आ जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाए, ये जो टू वैल्यू है ये मैं बाहर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू अल्फा से लेके पाए तक इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, इसको आगे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाए। अगर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 को इंटीग्रेट किया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पाई माइनस अल्फा, और माइनस का वैल्यू मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेट करने के बाद जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा से लेके पाई, ठीक है। ये कंप्लीट अंडर रूट का वैल्यू है, ओके, ये कंप्लीट अंडर रूट है, मैंने यहाँ के जगह पे यहाँ पे नीचे लिख दिया है। आगे यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाए, यहाँ पे ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, करेक्ट, पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पे हम लोग माइनस लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी के जगह पे हम लोग पाई है वो लिखेंगे, तो पाई अगर साइन का अगर कितना भी मल्टीपल होगा पाई तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाफ साइन 2 अल्फा। ओके, मैंने सिर्फ लिमिट्स यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, बाकी कुछ नहीं किया है, और ये कंप्लीट आ जाएगा अंडर रूट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वापस एक बार लिख लेते, ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू द ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा प्लस 1 बाय 2 साइन 2 अल्फा। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू द ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा। ओके, ये होगा वी आर एम एस का वैल्यू, ये होगा वी आर एम एस का वैल्यू। अभी यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पावर अक्रॉस द रजिस्टर कितना होगा। ओके, तो हमें वी आर एम एस का स्क्वायर करना पड़ेगा, वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर करना होगा, यानी कि पी का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो ये स्क्वायर की वजह से अंडर रूट का वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू द ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा प्लस 1 बाय 2 साइन 2 अल्फा। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हम लोग चेक कर देते वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय आर। ओके, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय आर। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे जो वी का वैल्यू है इन्होंने हम लोग यहाँ वो आर एम एस का वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो वी एम साइन ओमेगा टी है ये हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर किया है। ओके, तो हम लोग जो वी एम का वैल्यू है वहाँ पे हम लोग जो वी है वी के टर्म्स में इन्होंने दिया है ना, हमें ऑप्शन है वो वी के टर्म्स में दिया है, तो वी के टर्म्स में ऑप्शन है मतलब हम लोग उसको आर एम एस वैल्यू है वो कंसिडर करेंगे, तो इसको आर एम एस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो वी आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस होता है वी एम डिवाइडेड बाय रूट टू। ओके, तो अगर हमें वी एम स्क्वायर का वैल्यू प्रेजेंट है ना, हमारे पास वी एम स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी एम स्क्वायर यानी कि ट्वाइस ऑफ द वी आर एम एस स्क्वायर, करेक्ट, ट्वाइस ऑफ द वी आर एम एस स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ये हो जाएगा 2V स्क्वायर। तो वी एम का वैल्यू हम लोग है वो 2V से हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर के जगह पर मैं 2V स्क्वायर लिख लेता हूँ, 2V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और इन टू द ब्रैकेट ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस 1 बाय 2 साइन 2 अल्फा। ओके, और ये हम लोग 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा। ओके, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर पाई माइनस अल्फा प्लस 1 बाय 2 साइन 2 अल्फा। ओके, तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको ये बहुत ही लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन ईजिली आता है तो बहुत जल्द हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन करते वक्त ये बहुत है वो टाइम कंज्यूमिंग आपको लगा होगा, और आपको पता है कि डायरेक्टली अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो आप फटाफट है वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बहुत इतना ज़्यादा टाइम लगा, अगर आप इजीली कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा।
अगर आप बाय हार्ट करोगे तो शायद गलत होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए मैंने पूरा इंटीग्रेट करके दिखाया। ये हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है और अगर आपको पता है कि वेवफॉर्म यहाँ पे कैसे एक्चुअल में जनरेट होंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली एसी वोल्टेज कंट्रोलर का है, जिसमें ट्रायक के जगह पे यूजुअली एंटी पैरेलल में एससीआर है वो कनेक्टेड होते हैं। तो एसी वोल्टेज कंट्रोल एक्चुअल में क्या करते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हम लोग जो एसी एसी जो सप्लाई होते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग कम करके आउटपुट की तरफ भेजते हैं, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस नहीं करते। एसी को एसी में कन्वर्जन करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड कंट्रोल करते हैं और दूसरा होता है साइक्लो कन्वर्टर, तो जिसमें हम लोग यूजुअली फ्रीक्वेंसी है वो कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी है वो कम ज्यादा करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोग सेम रखते हैं और एसी वोल्टेज कंट्रोल में हम लोग फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करते हैं और जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करते हैं। तो आप अगर एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए उससे रिलेटेड तो उसका भी सेम रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एंटी पैरेलल एससीआर के जगह पे सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायक है वो कनेक्ट किया, तो उसका आंसर भी सेम ही आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस आर सी ट्रिगरिंग इज प्रेफर्ड ओवर द रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग बिकॉज। ओके, सो गेट हमने पता है कि एससीआर के टोटल 5 टाइप्स ऑफ द ट्रिगरिंग होते हैं। एक होता है वोल्टेज ट्रिगरिंग, अगर हम लोग उसमें फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से अगर ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे वो एससीआर को कंडक्ट करने लगेगा। उसके सेकंड नंबर पे आता है गेट ट्रिगरिंग, जो यूजुअली प्रेफर करते हैं हम लोग और जो बेस्ट मेथड होता है ट्रिगरिंग करने के लिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है डीवी बाई डीटी, हम लोगों ने अभी देखा था कि जो फॉल्स ट्रिगरिंग होते हैं तो उससे भी ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे थर्मल ट्रिगरिंग, यानी कि अगर टेम्परेचर भी ज्यादा अगर वहाँ पे बढ़ गया तो वहाँ पे भी जो फॉल्स ट्रिगरिंग है वो हो सकती है। एंड द फिफ्थ वन इज लाइट ट्रिगरिंग, जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखा था कि LaSCR होता है लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो वहाँ पे लाइट के वजह से भी जो SCR है वो ट्रिगर हो सकते हैं। तो ऐसे टोटल 5 टाइप्स ऑफ द ट्रिगरिंग मेथड है SCR के, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड हम लोग माने जाते हैं वो होता है गेट ट्रिगरिंग। तो गेट ट्रिगरिंग में भी देर आर 3 टाइप्स ऑफ द गेट ट्रिगरिंग, जिसे हम लोग ट्रिगरिंग को हम लोग फायरिंग सर्किट भी बोलते हैं। तो गेट ट्रिगरिंग में यहाँ पे 3 सर्किट्स है, एक होता है रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट, दूसरा होता है आरसी फायरिंग सर्किट एंड थर्ड वन इज यूजेटी फायरिंग सर्किट। तो ये हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आरसी ट्रिगरिंग जो यहाँ पे इन्होंने पूछा है और एक रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग, तो हम लोग सर्किट इन डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें जो क्या पूछा है क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो आरसी ट्रिगरिंग क्यों प्रेफर करते हैं, तो उसका मेन रीजन है कि रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग में जो फायरिंग एंगल का कंट्रोलिंग होता है वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री में ही हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 90 के बाद अगर हम लोग उसके फायरिंग प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। उसके बाद आरसी ट्रिगरिंग में हमें जो फायरिंग सर्किट का जो कंट्रोलिंग मिलता है वो 0 से 180 डिग्री के लिए मिलता है। करेक्ट, तो हमें एडिशनल 90 डिग्री का यहाँ पे कंट्रोलिंग हमारे हाथ में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम लोग आरसी ट्रिगरिंग प्रेफर करेंगे। कंस्ट्रक्शन वाइज रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग है वो बहुत ही ईजी होता है, वहाँ पे एडिशनल है वो सिर्फ रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है और डायोड। लेकिन आरसी ट्रिगरिंग में जो सर्किटरी होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है कि हमें एडिशनल 90 डिग्री का जो कंट्रोलिंग है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है क्या। तो ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स द ट्रिगरिंग एट अ प्रीसेस इंस्टेंट, नहीं, इट गिव्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ गेट पल्स, नहीं, इट एनेबल्स द ट्रिगरिंग एट अ लार्ज वैल्यू ऑफ द फायरिंग एंगल। करेक्ट, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे मोर सुटेबल ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इट एनेबल्स द ट्रिगरिंग एट अ लार्ज वैल्यूज ऑफ द फायरिंग एंगल, लेकिन 90 से 180 डिग्री के बीच में भी हमें फायरिंग करने के लिए अलाउड कर देते हैं। ओके, तो हमारे हाथ में ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं तो ज्यादा पावर हमारे पास मिल सकती है, मतलब हमारे हाथ में कंट्रोलिंग होते जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा हमें डिजायर आउटपुट है वो पा सकते हैं इससे। तो ये एपी ट्रांसको का क्वेश्चन था, ईयर 2017 में पूछा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चॉपर, तो ये क्वेश्चन भी KPTCL में पूछा गया था ईयर 2017 में। तो चॉपर क्या करता है, बेसिकली चॉपर में हम लोग इनपुट जो होते हैं वो फिक्स डीसी वोल्टेज देते हैं और जो आउटपुट है वो हम लोग वेरिएबल डीसी है वो उससे निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो डायग्राम के फॉर्म में अगर आपको दिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चॉपर में हम लोग जो इनपुट देते हैं वो होता है फिक्स्ड डीसी, ओके, इनपुट होता है वो होता है फिक्स्ड डीसी और जो आउटपुट होता है वो हम लोग निकलते हैं वेरिएबल डीसी, ओके, वेरिएबल डीसी एंड इट इज़ अ वन स्टेप कन्वर्जन, ओके, तो हम लोग डायरेक्टली मतलब डीसी से डीसी में ही कन्वर्ट होते हैं, डीसी से एसी और बाद में डीसी ऐसा कन्वर्जन नहीं होता, इट इज़ अ वन स्टेप कन्वर्जन। तो देखते हैं, इट इज़ अ स्विचिंग एसी टू डीसी, डीसी टू डीसी, ओके, इट इज़ अ स्विचिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनटू अ वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली। करेक्ट, तो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। साइक्लो कन्वर्टर में क्या होता है, फिक्स्ड एसी से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सी, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट होता है। तो साइक्लो कन्वर्टर भी एक वन स्टेप कन्वर्जन था, हम लोग उसे एसी से डीसी में और वापस से डीसी से एसी में कन्वर्जन नहीं करते, वो वन स्टेप कन्वर्जन होता है। तो चॉपर का और साइक्लो कन्वर्टर का ये एक एडवांटेज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर सर्किट द ऑर्डर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एल सी डी मॉसफेट स्विच इज बिटवीन सप्लाई एंड द लोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज। ओके, सो
कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर यानी कि चॉपर के बारे में बात हो रही है। तो चॉपर में हम लोग मैक्सिमम केसेस पे थ्री टाइप्स ऑफ जो टॉप चॉपर है वो हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है बक चॉपर यानी कि स्टेप डाउन चॉपर, उसके बाद आता है बूस्ट चॉपर यानी कि स्टेप अप चॉपर, और एक बक बूस्ट चॉपर, ओके, यानी कि स्टेप अप डाउन चॉपर। तो हम लोग स्टेप अप डाउन चॉपर या फिर बक बूस्ट में हम लोग या तो अप भी कर सकते हैं या फिर उसे डाउन भी कर सकते हैं, जो कोई भी आउटपुट वोल्टेज रहेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर यानी कि स्टेप अप के रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम है वो देखते हैं। तो ये होता है स्टेप अप कन्वर्टर का या फिर डीसी टू डीसी बूस्ट चॉपर का ये सर्किट डायग्राम है, जहाँ पे सोर्स वोल्टेज है, एल इंडक्टर है, एक डायोड होता है, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर है, और यहाँ पे आप स्विच देख सकते हो। आर है वो लोड की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे, और जो बीच में जो चार ये सर्किट है इंडक्टर, स्विच, डायोड और कैपेसिटर, वो कैसे फॉर्मेट में कनेक्ट रहेंगे यहाँ के इन्होंने पूछा है। स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर और स्टेप अप डाउन चॉपर में यही चारों यूज होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अगर हम लोगों ने इसका पोजिशनिंग चेंज किया तो अलग अलग चॉपर है वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन से टाइप का चॉपर है। यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने बूस्ट टाइप के लिए पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग बूस्ट का ही डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जो इंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, उसके बाद जो स्विच है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके बाद डायोड है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग उससे पहले देते हैं एल सीरीज है, स्विच सीरीज नहीं है, स्विच सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर है। उसके बाद स्विच सीरीज नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर है। एल सीरीज में कनेक्टेड है, स्विच है वो पैरेलल में है, डी है वो सीरीज में है, सी है वो पैरेलल में। करेक्ट ऑप्शन सी है, ये करेक्ट आंसर है। ओके लास्ट भी देखते हैं, यहाँ पे है स्विच सीरीज एंड एल पैरेलल। ओके तो एल पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है। तो इसका वर्किंग हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने स्विच क्लोज किया तो वहाँ पे जो ये जो वोल्टेज है ये इंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पे आ जाएगा। ओके और ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी है वो स्टोर करने लगेगा जब भी हम लोग स्विच ऑन करेंगे, यानी कि टी ऑन टाइम में। जब भी हम लोग ये स्विच को ऑफ करेंगे तो ये इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी प्लस ये वोल्टेज सोर्स की तरफ से जो एनर्जी, तो ये डबल एनर्जी है वो रेजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा। तो इसलिए ये हम लोग आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि एक स्टार्टिंग में हम लोग जब ऑन करेंगे तब ये स्टोर करता है, और जब हम लोग इसे ओपन करते हैं तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी प्लस वोल्टेज सोर्स की तरफ से एनर्जी, तो इसलिए डबल एनर्जी यहाँ पे लोड की तरफ आ जाएगी। तो इसलिए ये बूस्ट कन्वर्टर है। ओके अगर स्टेप डाउन चॉपर आया तो हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे। ये एपी ट्रस्को का एक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बूस्ट चॉपर सर्किट इफ वी एस वी नॉट एल आर द इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एंड इंडक्टेंस रिस्पेक्टिवली। ओके यानी कि वी एस है वो इनपुट वोल्टेज है, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज, एल है वो इंडक्टेंस है, एंड वेन द कंडक्टिंग स्विच इज ओपन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंडक्टिव सर्किट इज। ओके तो हम लोग यहाँ पे अभी सर्किट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सर्किट है वो सेम है, वी एस है, यहाँ पे वी नॉट है, मैं यहाँ पे मार्क कर दो, ये है वी नॉट का वैल्यू, ये हो गया वी नॉट का वैल्यू। तो उन्हें पूछा है वेन द कंडक्टिंग स्विच इज ओपन, यानी कि जब भी ये स्विच ओपन होगा तब हमें आउटपुट है वो कैसे मिलेगा। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो स्विच है ये हम लोगों ने ये जो डायोड है ये अभी कंडक्ट कर रहा है। ओके तो हम लोग इसे कंडक्टिंग सर्किट की तरह रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे जो इंडक्टर रहेगा, ओके हम लोग, और ये जो रजिस्टर का वैल्यू है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो डायोड है इसको मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, डायोड है इसे मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहा हूँ, कैपेसिटर को मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये वी एस का वैल्यू है, उसके बाद ये हो जाएगा वी एल का वैल्यू, करेक्ट, और ये हो जाएगा वी नॉट का वैल्यू। ओके वी नॉट का वैल्यू यहाँ पे इन्होंने पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंडक्टिव करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टिव करंट यानी कि कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, करेक्ट, ये होता है डी आई बाई एल डी आई बाई डी टी। तो इसका वैल्यू कितना होता है, वी एल के इक्वल, करेक्ट, ये होता है इंडक्टर वोल्टेज के इक्वल। तो हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर डी आई बाई डी टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट, करेक्ट। और अगर हमें सिर्फ डी आई बाई डी टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी एस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एल, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग ऐसे मिलेगा डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि इंडक्टर में से जो करंट फ्लो है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो कितना है। ओके तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू हमें मिलेगा वी एस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एल। ओके तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो मैंने वही कहा था स्टार्टिंग में कि आप सर्किट को है वो इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, अगर डायोड वगैरह है तो उसे हम लोग अगर वो कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अगर कैपेसिटर प्रेजेंट भी है फिर भी ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो हमें ऑलवेज ऑब्वियसली वी नॉट ही मिलेगा, और कैपेसिटर हम लोग इसी के वजह से कनेक्ट करते हैं ताकि जो आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे, ओके ज़्यादा वो वेरी ना हो, क्योंकि कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द थ्री फेज कन्वर्टर सर्किट ड्यूरिंग द कम्यूटेशन व्हेन वन एससीआर इज इन वन फेज इज टर्न ऑन टू टर्न ऑफ एन एससीआर इन अनदर फेज रिजल्ट्स इन डैश। ओके तो ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे सर्किट देख सकते हो, थ्री फेज कन्वर्टर सर्किट है,
यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स इंडक्टेंस भी हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया है, क्योंकि इसी के वजह से हम लोग इजीली है वो समझ सकते हैं। इस यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि कन्वर्टर सर्किट ड्यूरिंग अ कम्यूटेशन व्हेन वन एससीआर इज इन वन फेज इज टर्न ऑन टू टर्न ऑफ द एससीआर इन अनदर फेज, यानी कि सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट होने के वजह से यहाँ पे वोल्टेज अगर इनवर्स भी हो गया फिर भी जो करंट है वो वहां पे कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है एससीआर के थ्रू, बिकॉज ऑफ विच एससीआर है वो टर्न ऑफ नहीं होता है इजिली। दूसरा कंडक्टर है वो फायर हो जाता है, लेकिन जो पहला वाला कंडक्टर है जिसको एक्चुअल में कट ऑफ होना चाहिए वो कट ऑफ नहीं होता, बिकॉज उसमें से जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, अगर एक ही फेज के दोनों जो एससीआर है वो वहां पे साइमल्टेनियसली कंडक्ट करेंगे तो इसके वजह से जो सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओके, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए जो सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस का वैल्यू है वो इग्नोर कर दिया तो सोर्स इंडक्टेंस का, या फिर अगर हम लोगों ने लोड के बारे में बात करें, लोड में भी यहाँ पे इंडक्टेंस है वो प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग सोर्स के तरफ की हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सोर्स इंडक्टेंस की वजह से जो एक्चुअल में कम्यूटेशन होता है वो डिले होता है। तो डिले कम्यूटेशन होने के वजह से, कम्यूटेशन यानी कि सर्किट का कंडक्टिंग बंद होना, थायरिस्टर का कंडक्टिंग है वो बंद होना, तो वो इंडक्टेंस प्रेजेंट होने के वजह से वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन पे कंडक्ट करना नहीं रोकता है। तो इसलिए दोनों जो एससीआर है वो साइमल्टेनियसली कंडक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ विच जो सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो अगर सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज जो नॉचिंग है ऐसा कुछ फिनोमेना यहाँ पे हमें दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए जो वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन आता है, ऑलमोस्ट गैप वगैरह आ जाता है यहाँ पे। ओके, आप ये कोई एक ये रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज नॉचिंग का कि जो स्मूथ एक्चुअल में वेवफॉर्म चाहिए तो वहाँ पे हमें ऐसे नहीं मिलता है, वो बहुत ही माइन्यूट माइक्रो सेकेंड या फिर नैनो सेकेंड्स के लिए वो वहाँ पे वोल्टेज नॉचिंग है वो हमें दिखाई देता है। तो इसलिए वोल्टेज नॉचिंग है ये करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर दोनों एससीआर एक साथ शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके वजह से जो सोर्स वोल्टेज है वो शॉर्ट सर्किट होता है, बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे वोल्टेज में यहाँ पे वोल्टेज नॉचिंग प्रेजेंट होता है। ओके, हम लोगों ने एक रिसर्च पेपर भी देखा था जिसमें यही फिनोमिना उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे पल्स कन्वर्टर है, थ्री फेज पल्स कन्वर्टर, और यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज है वो स्टेप डाउन करके यहाँ पे इन्होंने सिमुलिंक में मॉडल है वो रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे इन्होंने रेजिस्टिव लोड और आरएल लोड भी यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट किया है, और यहाँ पे है वो फायरिंग पल्स जनरेटर सर्किट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 415 वोल्ट बस के अक्रॉस यहाँ पे जो आपको वेवफॉर्म दिखाई देगा, थ्री फेज जो वेवफॉर्म है वहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे जूम करोगे तो यहाँ पे नॉचिंग है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो नॉचेस है वो आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इजीली वहां से पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको एक एडिशनल नॉलेज देने के लिए मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सोर्स की तरफ यहाँ पे हमें वोल्टेज जो नॉचिंग फिनोमेना है वो दिखाई देता है बिकॉज दो एसीआर है वो साइमल्टेनियसली कंडक्ट करते हैं। ओके, तो वोल्टेज नॉचिंग इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिनोमेना इज प्रेजेंट इन थायरिस्टर बट एबसेंट इन बीजेटी मॉसफेट एंड आईजीबीटी। तो उसमें फॉरवर्ड कंडक्शन तो ऑब्वियसली सब में होता है प्रेजेंट, तो ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद लैचिंग करेक्ट, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो लैचिंग करंट होता है आईएल, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट वाला फिनोमेना वो सिर्फ और सिर्फ थायरिस्टर यानी कि एससीआर में ही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, ये बीजेटी मॉस्फेट और आईजीबीटी में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन एससीआर ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द क्वांटिटीज रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टिवली आर। तो ये एपी ट्रांसको का क्वेश्चन था, ईयर 2019 में पूछा गया था। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से डिस्कस किया था कि टर्न ऑन गारंटी टर्न ऑन करने के लिए हम लोगों ने वहां पे लैचिंग करंट का है वो एग्जाम्पल है वो यूज किया था, और गारंटी टर्न ऑफ के लिए हम लोगों ने अगर कहा था होल्डिंग करंट के नीचे अगर करंट चला जाए तो हम लोग कह सकते कि ये कंप्लीटली ऑफ हो चुका है। तो टर्न ऑन के लिए हम लोग लैचिंग करंट का हेल्प लेते हैं और टर्न ऑफ के लिए हम लोग होल्डिंग करंट का है वो हेल्प लेते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्टिकुलर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर डेवलप्स अ सिमेट्रिकल आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम पाई बाय सिक्स रेडियंस टू पाई रेडियंस एंड 7π/6 रेडियन टू 2π रेडियंस अक्रॉस अ रेजिस्टिव लोड ओवर अ साइकिल द सर्किट कंटेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक सर्किट है उसके अंदर क्या है इन्होंने यूज नहीं किया तो वही हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें आउटपुट का इन्होंने हिंट दिया है कि जो आउटपुट है वो सिमेट्रिकल आउटपुट हमें मिल रहा है और जो साइकिल है वो हमें पाई बाय सिक्स से पाई की तरफ मिल रहा है, यानी कि हम लोग अगर आपको पता नहीं होगा रेडियंस में तो जो पाई बाय सिक्स होता है वो कितना होता है, पाई बाय सिक्स होता है 30 डिग्री। ओके, पाई बाय सिक्स होता है वो होता है 30 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, तो इसलिए पाई होगा 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज को हम लोग कहें पाई। 7π/6 होता है 210 डिग्रीज, 210 डिग्रीज 7π/6, एंड जो 2π है वो होता है ऑब्वियसली 360 डिग्रीज। ओके,
ये होगा 2 पाई। तो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, 30 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हमें एक साइकिल मिल रहा है। इन्होंने कहा ऐसे 30 डिग्री से लेके 180 डिग्रीज तक, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि 210 से लेके यानी कि 210 से लेके 360 डिग्री तक। ओके, 210 से लेके 360 डिग्री तक एक सिमेट्रिकल हमें यहाँ पे वेवफॉर्म मिलता है, ऐसा आप देख सकते हो। ऑब्वियसली पॉजिटिव और निगेटिव है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड और दोनों का जो एरिया है वो सेम रहेगा, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल हमें वेवफॉर्म मिल रहा है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू अगर जाओगे तो अच्छा होगा। आपको पता है यहाँ पे इन्होंने 30 डिग्री पे अगर हम लोगों ने फायरिंग प्रोवाइड किया तभी हमें ऐसा कुछ वेवफॉर्म है वो दिखाई देगा, और अगर हमें 0 के बाद अगर हम लोग फायरिंग प्रोवाइड करना है तो ऑब्वियसली हम लोग वहाँ पे डायोड है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डायोड में ऐसा फंक्शनलिटी नहीं होता है कि हम लोग फायरिंग है वो कंट्रोल कर सके। तो अगर ऑप्शन में डायोड वाला प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम लोग उसको डायरेक्टली एलिमिनेट करेंगे, तो ऑप्शन ए है ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायोड सिर्फ 0 डिग्री पे ही फायर हो सकता है। ओके, उस पर हम लोग कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 30 डिग्री से और 210 डिग्री से फायरिंग प्रोवाइड किया, यानी कि समथिंग एंगल प्लस अल्फा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा एंगल पे हम लोगों ने यहाँ पे फायरिंग है वो प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे हम लोग वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद है 2 डायोड्स कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि डायोड ही है तो उसमें हम लोग 30 डिग्री पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद है ट्रायक, करेक्ट। तो ट्रायक के पहले हम लोग SCR डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें वेवफॉर्म है वो मिल रहा है, और हम लोग को पता ही है कि जो SCR है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में है वो करंट को अलाउ कर रहा है फ्लो करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में उसको वो ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए हमें SCR में सिर्फ हमेशा पॉजिटिव पीक्स है वही हमें हमेशा मिलेंगे, तो इसलिए जो SCR है वो भी यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और ट्रायक हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों पे हमें वो कंडक्ट करने देता है, तो इसलिए ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि सभी का वर्किंग कैसे होता है, आपको इजीली आंसर है वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंगल फेज मिड पॉइंट फुल वेव कन्वर्टर विद मैक्सिमम मिड पॉइंट वोल्टेज ऑफ वी मैक्स वोल्ट डेवलप्स एन एवरेज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टिव लोड एट फायरिंग डिले एंगल्स ऑफ 0 and π/2 radians रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमें एक मिड पॉइंट कन्वर्टर यहाँ पे इन्होंने अज्यूम करने के लिए कहा है सिंगल फेज, जहाँ पे जो मिड पॉइंट वोल्टेज है वो मिड पॉइंट से लेके कोई भी एक टर्मिनल की तरफ वी मैक्स वोल्टेज इन्होंने अज्यूम करने के लिए कहा है, और इन्होंने पूछा है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो वी आउट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एवरेज आउटपुट का एट 0 and π/2 radians। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सर्किट देखते हैं, तो ये होता है सर्किट मिड पॉइंट कन्वर्टर का। मिड पॉइंट कन्वर्टर में हम लोग डायरेक्टली जो ट्रांसफार्मर है वो यूज करना पड़ता है, और उसके सेंटर टैपिंग में हम लोग जो लोड है वो कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही अज्यूम करें कि ये 1:2 का ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये 1 है तो ये पोर्शन भी 1 रहेगा और ये पोर्शन भी 1 रहेगा। ओके, यानी कि टोटल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 1:2 का ट्रांसफार्मर है, ऐसे हम लोग मैक्सिमम टाइम अज्यूम करते हैं। मिड पॉइंट का वोल्टेज इन्होंने यहाँ पे हमें वी मैक्स है वो कंसिडर करने के लिए कहा है। तो इसका वर्किंग कैसे होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब भी ये ए टर्मिनल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी रहेगा, तो हम लोग जो T1 है वो फायर करेंगे, यानी कि जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे अंदर चला जाएगा। ओके, तो इसी सर्किट में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये जो SCR है T2 वो हम लोग फायर नहीं करेंगे, तो इसलिए जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे रहेगा। ओके, तो करंट अगर यहाँ पे एंटर कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यहाँ पे निगेटिव, इसका वैल्यू है वो मैं वी नॉट कंसिडर कर रहा हूँ, और जब भी बी पॉजिटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ए तब हम लोग T2 फायर करेंगे और T1 को हम लोग फायर नहीं करेंगे। यह तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, तो बी के तरफ से जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा, और एक ही डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ ही हमेशा जो करंट है वो फ्लो होगा, तो हमें जो वेवफॉर्म मिलेगा वो हमेशा हमें डायरेक्टली पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, और SCR है, लेट अस अज्यूम हम लोगों ने अल्फा एंगल पे है वो फायर किया है, तो हमें कुछ जो वेवफॉर्म मिलेगा वो ऐसा कुछ दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, और आर का वेवफॉर्म है तो ये एग्जैक्टली पाई पे ही इसको स्टॉप हो जाएगा, पाई 2π के टर्म्स में ही। ओके, तो हमें जो वेवफॉर्म मिलेगा वो कुछ ऐसा है, वो वेवफॉर्म है वो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होगा अल्फा, ये होगा पाई, यहाँ पे ये होगा पाई प्लस अल्फा, और ये होगा 2π। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे पूछा एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू के लिए वी नॉट में यहाँ पे लिख लेता हूँ वी नॉट एवरेज। तो वी नॉट एवरेज के लिए हम लोग को जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंसिडर करना पड़ेगा, तो हमें देख सकते हैं कि 0 से लेके पाई तक अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो उसके बाद ये वापस से है वो रिपीट हो रहा है वेवफॉर्म। ओके, तो हम लोग सिर्फ 0 से लेके पाई तक का ही कंसिडर करेंगे टाइम ड्यूरेशन, तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ 1/π, और जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल वेवफॉर्म है वो अल्फा से लेके पाई तक ही एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए इंटीग्रेशन में जो हम लोग लिमिट्स लेंगे वो होगा अल्फा से लेके पाई, और हम लोग ऐसे अज्यूम करें ये होगा Vm sin ωt, करेक्ट, और इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dωt से,
ये आ जाएगा वीएम का वैल्यू कांस्टेंट है तो वीएम बाय पाई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग साइन ओमेगा टी से, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा अल्फा से लेके पाए, करेक्ट, ये हो जाएगा वीएम डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ पे माइनस टर्म होने की वजह से जो जो लिमिट्स है मैं डायरेक्टली इंटरचेंज करके लिखूंगा, यानी कि सबसे पहले मैं लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा और बाद में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, आप इजीली करोगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई, ओके। तो कॉस अल्फा और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री, तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा वी एम बाय पाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, ओके। ये इसका करेक्ट आंसर है, वी नॉट एवरेज का वैल्यू। तो यहाँ पे ना स्पेसिफिकली 0 रेडियन पे और π/2 रेडियंस पे पूछा है, तो हम लोग 0 पे देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने अल्फा इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो जो वी नॉट का वैल्यू हमें मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 पे वी नॉट का जो वैल्यू मिलेगा, ये अल्फा 0 सब्सटीट्यूट करने के बाद हो जाएगा 1, यानी कि 2 vm/π हमें मिलेगा यहाँ पे, 2 vm/π फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। और अगर अल्फा इज इक्वल टू हम लोगों ने π/2 अगर हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो इसका वैल्यू वी नॉट का वैल्यू हमें मिलेगा vm/π, ओके। इसका वैल्यू मिलेगा vm/π, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 होता है 0 डिग्री, तो हमें मिलेगा vm/π। तो 2 vm/π एंड vm/π ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर है, 2 vm vmax/π एंड vmax/π, ओके। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है फिर भी आप ऑन द स्पॉट है वो वहाँ पे डिराइव कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑब्वियसली, 1 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको वेवफॉर्म है वो समझ में आना चाहिए। वेवफॉर्म अगर आपने समझ लिया तो आप इंटीग्रेशन है वो इजिली कर सकते हो। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ध्यान में रखो, लेकिन अगर आप मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करके अगर आपके फॉर्मूला ध्यान में रह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत टाइम दे के सिर्फ फॉर्मूला रटने का कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम में वहाँ पे तुरंत डिराइव कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आता है कि यहाँ पे कैसे टाइप का आपको फाइनल आंसर दिखा देगा, क्योंकि आपने इतने बार अगर सॉल्व किया, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता, कभी कभी 2 vm/π आएगा या फिर vm/2π आएगा, ये कभी कभी समझ नहीं आता है, तब आप जो इंटीग्रेशन का है वो सहारा ले सकते हो वहाँ पे, ओके। तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो है वो शेयर कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ।